बीए पाठ तृतीय वर्ष के समस्त प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं एसोसिएट प्रोफेसर जगदीश प्रसाद बिलोनिया आज आपको अपने व्याख्यान का जो विषय है वह है श्राद्धस्य मूलक अलंकार की जो चार बातें हमने पिछले व्याख्यान में बतलाई उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना। इसके बाद हम उपमा अलंकार के बारे में जिक्र करेंगे। उपमा में भी यहाँ लुप्तोपमा होता है, फिर मालोपमा अलंकार होता है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। प्रिय छात्रों, चार जो सादृश्य मूलक अलंकार की जो प्रमुख बातें हैं वो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अलंकार हमेशा उत्कृष्ट उपमान पर आधारित हो, ये उसे अपेक्षा की जाती है। उपमान अधिक दूरारूढ़ नहीं होने चाहिए, उत्तम कोटि के होने जरूरी हैं तथा उनमें औचित्य हो ताकि वे भाव के उत्कर्ष का साधक बन सके। अगर भाव का ही उत्कर्ष नहीं करेंगे तो फिर उन ऐसे अलंकारों का वहां कोई महत्व नहीं होगा। पाठक की दृष्टि से अलंकारों का प्रयोग इस प्रकार से हो कि पाठक का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो तथा वे विषय की मार्मिक अनुभूति प्रदान करने में सहायक भी हो। यहां हम उपमेय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपमेय किसको कहते हैं? जो उपमा देने के योग्य हो, जिसको उपमा दी जाती है, जिसको किसी के समान कहा जाता है वो उपमेय होता है। दूसरा होता है उपमान, जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाता है। फिर तीसरी जो प्रमुख बात है सादृश्य मूलक अलंकार की वह है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में समान रहने वाले गुण, क्रिया आदि धर्म को समान धर्म अथवा साधारण धर्म कहते हैं। चौथी जो इसके प्रमुख बात है वो है वाचक शब्द, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए वो वाचक शब्द होते हैं। ये चार प्रमुख बातें सादृश्य मूलक अलंकार के बारे में बताई गई है और आज हम जिस अलंकार के बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं उस अलंकार का नाम है उपमा। उपमा शब्द का अर्थ होता है उप यानी समीप और मा, उप का अर्थ तो होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना, यानी अर्थात समीप रख कर दो पदार्थों का मिलान करना, ये उपमा होता है। उदाहरण, मुख कमल सा खिल गया। अब इसमें मुख जो है वो उपमेय है, कमल जो है वो उपमान है, खिल गया ये साधारण धर्म माना जाएगा और सा जो इसमें है, सा यानी समान, ये वाचक शब्द है। यहां हम अब उपमा के भेद के बारे में बात करेंगे। उपमा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णोपमा और दूसरी होती है लुप्तोपमा। जब पद में उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हों तो पूर्णोपमा उपमा मानी जाती है, पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। जब इन चारों अंगों में से कोई भी एक अंग नहीं रहता है तब वहां लुप्तोपमा होती है, यानी उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर इन चारों में से कोई सा भी एक भी यहां नहीं होगा तो वहां लुप्तोपमा होगी और चारों अगर होंगे तो वहां पूर्णोपमा अलंकार होगा। जैसे और उसके हिसाब से कि जो अंग यहां नहीं है उस अलंकार का नाम भी वही रखा जाएगा। जैसे इसका जो अंग लुप्त होता है उसको पहले रखकर लुप्तोपमा का पूरा नाम दिया जाता है। जैसे उपमेय अगर लुप्त हो रहा है तो उपमेय लुप्तोपमा, उपमान अगर लुप्त हो रहा है तो उपमान लुप्तोपमा, साधारण धर्म यदि लुप्त हो रहा है तो धर्म लुप्तोपमा और वाचक धर्म यदि लुप्त हो रहा है तो वाचक लुप्तोपमा। उदाहरण यदि हम इसका माने तो वह
सब पूर्णोपमा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है कि सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, वाणी जो है सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, वाणी जो है वो उपमेय है, वाणी यानी जो वचन या जो बोल जो हम बोलते हैं वो वाणी, वाणी वाणी के लिए ये शब्द लिया गया। सुरसरी किसको माना गया है, सुर सरी दो शब्दों से मिला हुआ है, बना हुआ है। सुर का मतलब होता है देवता और सरी का मतलब होता है नदी, देवताओं की नदी, यानी जो गंगा जो नदी है उसको सुरसरी माना गया, कहा गया। पावन जो है वो साधारण धर्म है जिसका अर्थ होता है पवित्र, पवित्रता से इसका अर्थ लिया जाता है। और सम का वाचक शब्द है समान। दूसरा जो उदाहरण है हम इसका लेंगे कि मुख चंद्रमा के चंद्रमा जैसा सुंदर है, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, इसमें पूर्णोपमा है यानी मुख तो उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, जैसा वाचक धर्म है और सुंदर इसका साधारण धर्म है, तो चारों अंग इसमें मौजूद है, पूर्णोपमा यहां माना जाएगा। तीसरा जो उदाहरण है इसका, कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु पेड़ के नीचे सोई, आई तुम्हें भी छोड़ गया क्या अली सकी नल सा निष्ठुर कोई। निष्ठुर का मतलब होता है निर्दयी, अली का मतलब होता है सखी और तरु का मतलब होता है पेड़ वृक्ष। अब यहां आया अली जो है वो सखी के लिए प्रयुक्त हुआ है और निष्ठुर यानी निर्दयता के लिए उसमें प्रयुक्त किया गया। छाया इसका उपमान है, उपमेय है, छाया पेड़ की जो छाया है वो उपमेय है और दमयंती इसमें उपमान है। सी वाचक धर्म है और तरु के नीचे सोना धर्म है। ये पूर्णोपमा के उदाहरण थे। अब हम लेते हैं लुप्तोपमा। लुप्तोपमा मुख चंद्रमा जैसा है। अब इस पंक्ति में साधारण धर्म सुंदर शब्द का उल्लेख है ही नहीं, इसलिए इसमें लुप्तोपमा है। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिये सबरानी। कटुबानी का कटिबानी, कटुबानी जो है वो उपमेय है, कुलिस इसमें उपमान है और कठोर साधारण धर्म है। अब कौन सी चीज इसमें छूट गई है, कौन सी चीज इसमें नहीं आई है। किंतु समतुल्य समान आदि वाचक शब्द इसमें लुप्त है, अतः इसमें वाचक लुप्तोपमा माना जाएगा। तीसरा जो उदाहरण है, शरद सरोवर है नयन, तुलसी भरे सने है जल। नयन उपमेय है, सरोरोह है उपमान है, शरद यानी शीतल साधारण धर्म है और परंतु समान वाचक शब्द नहीं है। अगला जो उदाहरण है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वचन उपमेय है, कुलिस उपमान है, सम वाचक शब्द है और कठोर समान धर्म का कथन नहीं किया गया, अतः इस पद में समान धर्म का कथन नहीं होने के कारण समान धर्म लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। अब अगला जो अलंकार आता है वो है मालोप, मालोपमा। जैसा नाम से ही यहां परिभाषित हो रहा है कि उपमाओं की जहां माला सी पिरो दी जाए वहां माला मालोपमा अलंकार माना जाता। जहां एक उपमान के अनेक उपमानों के साथ समानता का वर्णन किया जाता है वहां मालोपमा अलंकार होता है। उपमान तो एक होता है लेकिन अनेक उपमानों के साथ उसकी समानता का वर्णन कर दिया जाता है, यानी एक से पार नहीं पड़ती इसलिए अनेकों से उसको समान बना दिया जाता है। जैसे मुख चंद्र और कमल के समान है, मुख उपमेय के चंद्र और कमल दो उपमान हैं, इसीलिए इसमें मालोपमा अलंकार माना जाएगा क्योंकि मुख को चंद्रमा के समान और कमल के समान यहां सुंदर माना गया है, तो उसके दो उपमान हो गए मुख के चंद्र और कमल। दूसरा उदाहरण है इसका, पीले पत्तों की सैया पर तुम विरक्ति सी, मूर्छा सी विजन विपिन में कौन पड़ी हो। विरह मलिन दुख विद्रासी, पत्तावे की परछाई सी, तुम भू पर छाई हो को। यहां इस पद में विरक्त मूर्छा दुख विदुरा पछतावे की परछाई दुर्बलता आदि अनेक उपमानों की माला सी पिरो दी गई है, इसलिए इसमें मालोपमा अलंकार माना जाएगा। फिर तीसरा जो इसका उदाहरण हम मान सकते हैं वो है
हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। विलोचन किसको कहा गया है? नेत्रों को, आंखों को। तो आंखों की जो उपमा है वो किन किन चीजों से की जा रही है? हिरणी से, हिरणी के जो सुंदर नेत्र होते हैं उनके सुंदर नेत्रों से इसकी उपमा की जा रही है। मीन से, मछली के जो नेत्र होते हैं उनके नेत्रों से इसकी उपमा दी जा रही है। सुखंजन, सुंदर जो खंजन नामक पक्षी होता है जिसके गोल गोल जो सुंदर जो नेत्र होते हैं उनसे इसकी उपमा की जा रही है। समान चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। आंखों के उपमेय के लिए हिरनी, मीन, मछली, खंजन नामक पक्षी, कमल के उपमान लाए गए हैं कि आंखें कमल नयन है, कमल के समान है। अतः एक साथ चार वस्तुओं की तुलना करते हुए नायिका की आंखों की सुंदरता को इसमें बताया गया है। इसे मालोपमा अलंकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण हम कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आगे के व्याख्यान में आपको और जो अलंकार है, जैसे रूपक अलंकार है, तो उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से उदाहरण सहित यहां बताया जाएगा। आप लोगों को जो आप ये सारा जो व्याख्यान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका औचित्य तभी सिद्ध होता है कि तब आप इस संपूर्ण जो आपको ऑनलाइन जो व्याख्यान पढ़ाया जा रहा है उसको यदि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको आप रिवीजन करते हैं। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में हो सकता है कि नहीं आए, दूसरी बार जब आप पढ़ें तो हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए। इस तरह से आप दो तीन बार यदि इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे उदाहरण और जो अलंकार है वो वैसे के वैसे आपको याद भी हो सकते हैं। बाकी जैसे हम साहित्य में पढ़ते भी हैं कि करत करत अभ्यास अभ्यास से अभ्यास थे जड़मत होते सुजान, कि अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो जो जड़मति है, जड़ बुद्धि है, वो भी क्या हो जाती है? अच्छी ज्ञाता बुद्धि बन जाती है। इसलिए आप लोग जो भी आपको मैटर ऑनलाइन व्याख्यान में दिया जा रहा है उसको आप एक बार पढ़ें जरूर, उसका अवलोकन जरूर करें और अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल उसके बारे में जिक्र करें। धन्यवाद।